दोस्तों, वॉल्यूम के स्विच में जो तीन टर्मिनल बने होते हैं वो किस लिए होते हैं और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है? आपने काफ़ी टाइप के वॉल्यूम स्विच देखे होंगे, यानी कि टोन बटन भी कहते हैं इनको और पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। वैसे तो इनके टाइप्स की बात करूँ तो अलग अलग टाइप्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं, उसका मैंने कम्प्लीट वीडियो अपने दूसरे चैनल पर बनाया है। लेकिन कुछ लोगों ने स्पेशली मुझे कमेंट करके कहा था कि सर इसका मुझे कनेक्शन बता दो, समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मुझे समझाना होता या फिर उन्हें बताना होता तो पर्सनली मैं मैसेज करके भी उन्हें बता सकता था, लेकिन वहाँ पर बताना और एक वीडियो के माध्यम से समझाना, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इससे उनको सीखने के लिए तो मिलेगा ही, साथ में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी इसमें हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट, दूसरी, तीसरी, यहाँ पर लेग बनी हुई, इसके पॉइंट बने हुए हैं। अब इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं, एक सिंपल तरीके से अगर पेपर में आपको समझाऊँ तो वो बेटर होगा, और कोशिश करूँगा मैं जो समझाऊँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मली इसमें भी 10K, 47K, 100K इस टाइप से अलग अलग आते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोर्ड पर लगाए जाते हैं। तो सभी के जो कनेक्शन होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम एम्पलीफायर में या ऑडियो बोर्ड में कैसे लगा सकते हैं। सिंपल से देखिए, ये है आपका वॉल्यूम का स्विच या पोटेंशियोमीटर, या आप टोन कह सकते हैं इसको। इसमें तीन पॉइंट बने हैं, 1, 2 एंड 3। ये इसका फ्रंट का है, यानी कि ये जो घुमाने वाला होता है ना, ये फ्रंट में, इसको मैंने इस तरीके से इसका चित्र बना लिया है। अब ये जो फर्स्ट लेग होती है, ये होती है इनपुट की, यहाँ से आपका सिग्नल इनपुट करेगा और यहाँ से सिग्नल आपका आउटपुट करेगा, और ये बेस का होता है, यानी कि इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी ट्रांजिस्टर पे देखा होगा कि आपका एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक अमीटर होता है, मतलब बेस कलेक्टर एंड अमीटर, यानी कि एक सिग्नल जाने के लिए और एक सिग्नल इसका आउटपुट करवाने के लिए होता है। जो बेस की पिन होती है उससे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि बेस की पिन से उसको कंट्रोल किया जाता है कि उसमें कितना तेज़ी से सिग्नल हमारा जाएगा। बिल्कुल वही ये काम हमारा करता है। इसको हमने ग्राउंड से अटैच करना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लूटूथ का पैनल है, ब्लूटूथ का पैनल आप समझ लीजिए कि यही वाला है, ठीक है। इससे ऑडियो आउटपुट निकली हमारी फर्स्ट, दूसरी एंड तीसरी, एक है ग्राउंड की और एक वायर है आपका राइट की और एक है आपकी लेफ्ट की, ठीक है। लेफ्ट की वायर को आप इस वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट वाली पिन से कनेक्ट करेंगे, और ग्राउंड को आप कहाँ से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो ग्राउंड है वो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। और ये आउटपुट आपका ऑडियो बोर्ड को चला जाएगा, यानी कि एक ऑडियो बोर्ड है, ऑडियो बोर्ड की जो वायरिंग होगी वो आपको फाइंड करनी होगी उसमें AUX इनपुट का। ऑडियो बोर्ड में एक पॉइंट रहता है जहाँ से हम सिग्नल को इनपुट करते हैं, जिसे हम AUX की पिन कहते हैं। उसमें भी तीन आपको पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, एक आपका लेफ्ट, एक आपका राइट और एक आपका ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्लूटूथ पैनल से लेफ्ट का सिग्नल निकला आपका, यहाँ चला गया फर्स्ट पिन पर, और सेकेंड पिन से आपका आउटपुट हुआ, ये चला जाएगा ऑडियो बोर्ड के लेफ्ट में। और जो ग्राउंड का है, ग्राउंड का आपका इस पिन से अटैच हो जाएगा यहाँ पर सबसे लास्ट की पिन से, और ये जो ग्राउंड है ये भी सबसे लास्ट की पिन से अटैच हो जाएगा। और ये जो ग्राउंड है आपका एम्पलीफायर की ग्राउंड से भी अटैच कर सकते हैं, वैसे वहाँ से तो ग्राउंड आ ही चुका है एम्पलीफायर से, तो इसको एम्पलीफायर के बॉडी से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो ग्राउंड आया वो वॉल्यूम स्विच के लास्ट में, और यहाँ से जो ग्राउंड आया वो वॉल्यूम स्विच के लास्ट में चला जाएगा। बाकी फर्स्ट पिन आपका इनपुट और सेकेंड पिन आपकी आउटपुट की हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा इसका कनेक्शन होता है। आपको एक छोटा सा यहाँ पर चित्र बना के मैं दे देता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये वॉल्यूम स्विच है 100 के, इसको मान के चलिए, यहाँ पर इसकी फर्स्ट पिन, ये सेकेंड पिन एंड थर्ड पिन, ठीक है। ये आपकी इनपुट, ये आपकी आउटपुट, ये आपकी ग्राउंड की, ठीक है। अगर इस वाले पिन को आप कनेक्ट नहीं करते हैं, इन दोनों से काम चला लेते हैं इनपुट आउटपुट से ही, तो होगा क्या, यहाँ पर जो वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे घटाएंगे एक लिमिट में वो नहीं हो पाएगी, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना नहीं होगा, एकाएक वह बढ़ जाएगी एकाएक घट जाएगी। इसलिए जो ब्लूटूथ पैनल है उसका ग्राउंड और ऑडियो बोर्ड का ग्राउंड यहाँ पर स्टॉप करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो आपका ये जो ग्राउंड जा रहा है आप डायरेक्ट इसको ऑडियो बोर्ड तक भी दे सकते हो, लेकिन आप बेहतर हो कि वॉल्यूम स्विच के लास्ट में इसको स्टॉप करवा के वहाँ तक ले जाएँ।
ठीक है। अब बात रही राइट की, तो राइट के लिए भी आप एक ऐसे ही पोटेंशियोमीटर लगा के आप बना सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर मैं चित्र बना दूँ समझाने के लिए, तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये जो ग्राउंड है ये भी, ये ग्राउंड भी आपका इसके लास्ट में आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। और राइट का पिन इनपुट यहाँ करेगा और आउटपुट यहाँ पर इधर पे कर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। अगर इससे बेटर आपको दो बटन लगाने के बजाय एक ही बटन भी लगाना चाहें, यानी कि एक ही पोटेंशियोमीटर लगाना चाहें, तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए डुअल चैनल के भी आते हैं, यहाँ पर देखिए सेपरेट एक में दो दो यहाँ पर होते हैं, एक आगे तरफ को एक पीछे की तरफ को। तो एक में आप ऑडियो इनपुट कीजिए, एक से आउटपुट कीजिए, एक को ग्राउंड में यहाँ पर अटैच कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राउंड, दोनों के ग्राउंड को मैंने एक साथ अटैच कर लिया है। बाकी एक से सिग्नल इनपुट होगा, एक से आउटपुट होगा, इन दोनों को आपने नहीं चिपकाना, इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, ये अलग अलग चैनल के लिए हैं। वैसे मैंने अपने यूज के लिए इसको मैंने चिपका के रखा हुआ था, लेकिन इनको आप अलग अलग कर लेंगे, लेकिन दोनों के ग्राउंड को आप अटैच करके एक ही साथ कर लेंगे। देखिए लास्ट में दोनों के ग्राउंड को मैंने एक साथ अटैच कर लिया है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट के सिग्नल इनपुट करेंगे ब्लूटूथ पैनल से, यहाँ से आउटपुट कर जाएंगे ऑडियो बोर्ड के लिए। ये लेफ्ट का हो गया इस साइड का, और इस साइड का राइट का, यहाँ से राइट ऑडियो इनपुट होगा, यहाँ से आउटपुट हो जाएगा कहाँ, बोर्ड के लिए। ये दोनों ग्राउंड आपस में अटैच हो जाएंगे, जो ब्लूटूथ से ग्राउंड आ रहा है यहाँ पर, और इधर से ग्राउंड आपका जाएगा ऑडियो बोर्ड तक। ये तो सिर्फ एक थ्योरी था, अगर आप 10 कमेंट भी कर लेते हो तो प्रैक्टिकली आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हो। फिर भी बहुत सारे लोगों को इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।